मौन नहीं रहेगा, मौन नहीं रहेगा। पीड़ा जब अक्षय हो जाए, व्यथा देश की कहीं ना जाए, तब नुक्कड़ मौन नहीं रहेगा, नुक्कड़ मौन नहीं रहेगा। आप किसान का दर्द सुनाएंगे, बिना उसकी तुम तक पहुंचाएंगे, नुक्कड़ मौन नहीं रहेगा। अपना सब कुछ मैंने झोंक दिया, बदले में ये क्या मिला, मेहनत का भी फल न दे सके। हाय भगवान, ये मैंने कौन सा पाप किया, कौन सा पाप किया। खेती सारी खत्म हो गई मेरी, खेती सारी खत्म हो गई, और कौन कौन सी जमीन जायदाद गिरवी रख दिए मैंने। हाय अब इस गरीब की, हाय सुनने वाला भी इस जमाने में कोई ना मिला, कोई ना मिला। अब कैसे भरूंगा अन्न मैं सबका, अब कैसे भरूंगा मैं पेट सबका। बेटे की भी आय नहीं, बेटी की भी आय नहीं, पत्नी भी रहती है बीमार, प्रशासन भी मोरे है मुंह, प्रशासन भी मोरे है मुंह। हाय अब इस गरीब की कोई हाय सुनता नहीं, कोई हाय। साहिबान मेहरबान कदरदान, आप सभी का स्वागत है इस रंगमंच पे। हम आप सबका स्वागत करते हैं इस नुक्कड़ नाटक में जिसका नाम है बटका हुआ भारत। तो मैं दस की भरी तिजोरी, 90 खाली पेट, झुग्गी वाला देख रहा है 7 लाख का गेट। आइए देखते हैं कि किसान के साथ ऐसा क्या हुआ, इसकी स्थिति ऐसी दुर्दशा हो गई इसकी, क्या हुआ इसके साथ। चलिए 6 महीने पहले चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ है। चुंदू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चुंदू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद तक सूरज चांद रहेगा, चुंदू मेरा नाम रहेगा। भाइयों बहुत मिला आपका प्यार, रह गया बेहद अपार। मैं चुंदू यादव आप सबसे वादा करता हूँ, आपके क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, कोई कमी नहीं। आपकी ये सड़कें, ये सड़कें ये माधुरी दीक्षित की गालों की तरह भाइयों। मैं चुन्नू यादव आप सबसे वादा करता हूँ, आपको खाने में पिज्जा और बर्गर भी मिलेगा। इतना ही नहीं, बिजली कहाँ है, बिजली भाई बिजली तो मेरी है। बिजली नहीं, तू कौन सी बिजली, तो बिजली। अरे भैया आप सबके घर में एक एक ट्रांसफार्मर लगवा दिया जाएगा। शौचालय, शौचालय तो आप कल भी जाते थे, आज गए हैं ना, और कल भी जाएंगे। आज किसानों की फसल का काम हुआ, किसानों के फसल का, किसानों की आय 10 गुनी कर दी जाएगी। अरे जिंदाबाद, अरे चुन्नू भैया जिंदाबाद। भैया इन्हीं हाथों ने इस देश का विकास किया है और आगे भी करता रहेगा। भैया चुन्नू भैया, चुन्नू भैया जिंदाबाद, चुन्नू भैया जिंदाबाद। वाह अरे देश के नेता और इन नेताओं के वादे, अभी तो इनको भी पता है कि पूरे नहीं कर पाएंगे इनके वादे, पर जनता तो जनता है, उनका तो मूड बनता है। नेताजी जीत गए इलेक्शन, भारी बहुमत के जीते नेताजी इलेक्शन। अब देखते हैं ये नाटक आगे कौन सा ताना बाना बनता है। नमस्कार भाइयों बहनों, आप सबका स्वागत है आपके अपने मन पसंद का शो टाइम टाइम में, इसमें मैं बादल लंगड़ी आप सबका स्वागत करता हूँ आज की ताजा खबरों के साथ। आज की ताजा हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। सबसे पहली खबर और मुख्य खबर देखिए, किंग जोंग उन ने दिया अमेरिका को धमकी जिससे है पूरे देश को बड़ा खतरा। मारा गया बगदादी, बहुत बड़ा आतंकी था। तैमूर ने बोला अपने मुंह से पहला शब्द, आप सब जानते हैं सोशल मीडिया पे वायरल करिएगा इसे। और भारी वर्षा और आंधी के कारण किसानों की कुछ फसल खराब हो गई है, भारी क्षति उठानी पड़ी है। और सबसे गर्मा गर्म टॉपिक जिस पे आज हमारा प्राइम टाइम बहस निर्भर रहेगा वो है सलमान खान को हुई जेल।
क्या उसको होनी चाहिए थी बेल? आइए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद इसी बहस के साथ। खुजली है भाई, खुजली है, खुजली है भाई, खुजली है, ये इधर की होती है, ये इधर की होती है, खुजली है भाई, खुजली है, खुजली है भाई, खुजली है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है फिर से प्राइम टाइम बहस में। हमारा बहस का टॉपिक था सलमान खान को हुई जेल, क्या उसको हुई जेल थी बेल? आइए हम सब आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने मेहमानों से। सबसे पहले हमारे मेहमान हैं माननीय श्री शुक्ला जी, बहुत बड़े बुद्धिजीवियों के भी बुद्धिजीवी हैं शुक्ला जी, उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हमारे दूसरे मेहमान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर सबका जौहर अर्थात करण जौहर। कुछ नहीं होने वाला, हमारे तीसरा मेहमान रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता निलंबित मात्रा। आजकल यूपी में मंत्री बन गए हैं। और हमारे चौथे मेहमान जो कि जबरा फैन है सलमान खान के, सोशल मीडिया पे आप लोगों ने उनकी सेल्फी देखी होगी। आइए विकास जी, जबरा फैन सलमान खान के, आ जाइए। बहुत बहुत ठीक है, बढ़िया बढ़िया कैमरा चल रहा भाई साहब। तो प्राइम टाइम बहस शुरू करते हैं। सलमान खान को हुई जेल, क्या उनको होनी चाहिए थी बेल? शुक्ला जी, पहला सवाल आपसे, आप क्या सोचते हैं विषय के ऊपर, हमारी जनता को बताएं। देखिए भाइयों, आप माने या ना माने, उन्होंने अपराध तो किया था, और जो हमारे जज हैं चूंकि वह बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी हैं, इसलिए उन्होंने जो भी फैसला लिया होगा वह सोच समझ के लिया होगा। इसलिए मेरी राय यह है कि उनको जेल। ऐसे कैसे फैसला ले लिया, ऐसे कैसे फैसला ले लिया? बहुत सम्मानित सदस्य है हमारी फिल्म इंडस्ट्री। अरे भैया अपने चेहरे नाम लिए हैं। अरे ठीक है, तीन बोर्ड के कोई नाम नहीं है। शांत हो जाओ, मैं भी कुछ कहने शांत हो जाओ। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से कभी गए कहाँ है, अभी जाएंगे। अरे भाई सुन लो, क्यों क्यों बात सुन जा रहे हो? उन्होंने किरण को मारा था, जो तेरे नाम बनाई, तेरे नाम बने किरण की बात कर रहे हो मारा? अबे तुम कितने मच्छर कितनी मक्खियाँ रोज मारते हो, कितना खा जाते हो? वो पोटर का आप भी नॉन वेज ही तेरी है ना भैया, आप भी इसी सवाल दे। अरे कैसे नहीं है, लोग कुत्ते से पतंग छू रहे हो, काटा जाएगा। ये बकरी मर गई, बंदा ये काटा जाएगा। अरे आप मानिए या ना मानिए, वो हत्यारा है सलमान खान। इधर किसान की फसलें खत्म हो गई हैं और इनको सलमान खान की जेल और बेल की पड़ी है। खैर आशा, क्या शब्द है यह, डूबते को तिनके का सहारा दिला देता है, रोते को हंसना सिखा देता है। बरगद टूट जाए तो खून की आंखों भी रुला देता है। आगे देखते हैं, किसान का बेटा अपने इंटरव्यू के लिए नौकरी की तलाश में आगे जाता है, देखते क्या होता है। अरे जॉब तो पूरे भारत को चाहिए, तुम्हें क्या मेरा चाहिए? अरे तो गरीब तो सब है, ये क्या लाए हो? क्या बोलिए, सिफारिश वाले ना क्या सही आ गए? खेती करते हैं यहाँ, आने की क्या जरूरत थी? अच्छा परसेंटेज तो ठीक लग रहे हैं तुम्हारे। अरे टॉपर का तो हमें भी पता है कैसे कैसे बनते हैं। अरे यूनिवर्सिटी में जाने कितने टॉपर होते हैं, तुम तो लाखों की तादाद में हो, कहाँ से मिलेगी तुम्हें नौकरी? अरे ये तुम्हारा सीजी बहुत हल्का लग रहा है हमको। अरे वजन का मतलब जानते हो? अरे यार शुक्ला जी ने समझा ना यार, वजन का अरे सर कहाँ से आए हो? हमें लगी रहा था तुम कहाँ से, तुम्हें वजन मतलब नहीं मालूम? अरे भैया वजन मतलब पैसा, पैसा गरीब सर पैसा नहीं करता बेटा। अरे तो जाके खेती करना, उम्मीद आप भी होती है। अरे इनको ले लेते हो,
बाहर निकालो, आज के तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, चलो बाहर के जैसे लोग ये ले जाओ सीढ़ी। अरे बाबू धैर्य रखा जाए, समय बाबू समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, समय मर जाना है। अरे बाबू सो जाओ, उसे उसके बेटे को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए सिफारिश करनी पड़ती है, सिफारिश से नौकरी मिलती है भाइयों, सिफारिश से। ये कौन सा गलती किया था मेरे बेटे ने, कौन सा गलती किया था, क्या उसकी गलती यही थी कि वो किसान का बेटा था, क्या उसका सबसे बड़ा गुनाह यही था कि वह एक किसान के घर में पैदा हुआ था। दोस्तों यहाँ से हमारा नुक्कड़ अंक की ओर बढ़ता है। असल में हमारा ये नाटक अटकते हिंदुस्तान को लेकर था। अटकते हिंदुस्तान यानी कि आज हम देखते हैं कि नेता आते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर हमारे पास आते हैं, जाने कितने कितने वादे करते हैं आसमानों से भी ऊंचे, हम विश्वास करके उनको दिल्ली तक भेजते हैं। उसके बाद क्या होता है, असली मुद्दे पीछे रह जाते हैं, बेरोजगारी वहीं रहती रहती है। 5 साल बीत जाते हैं, बेरोजगारों की संख्या और बढ़ती है, शिक्षा का स्तर वही रहता है, सुरक्षा वही रह जाती है, और मुद्दे हमारे बीच में क्या लाए जाते हैं मीडिया और पॉलिटिशियंस के द्वारा, यहाँ दंगे हो गए। हिंदुत्व के नाम पे हमें एक होना है, चाय पे चर्चा करनी है, गौ हत्या बंद करानी है। कहाँ रह गया मुद्दा, कहाँ रह गया मुद्दा? क्या हमने इसलिए उनको जिता के वहां पर भेजा था? अपने में आज हम खुद ही गुमराह हैं। दोस्तों हम क्या चाहते हैं इस समाज से? क्या हम ये नहीं चाहते कि एक किसान किसी रात को सोए वो भी पूरा पेट भर के? क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है कि तरक्की है वादे के फिर भी कुछ नहीं होता है? क्यों आज भी हमारे देश में किसान रोज रात भूखे पेट सोता है, क्यों ऐसा होता है? दोस्तों जब सरकार और मीडिया से कोई पहल नहीं आती तो ये काम हम जनता का बनता है कि हम दोनों ऑर्गेनाइजेशंस पे दबाव बना के अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएं। यहाँ से हमारा नुक्कड़ अंत की ओर बढ़ता है। अंत में आज फिर समाज पर विपदा आई है, फिर घनघोर घटा जग पर छाई है, अब नुक्कड़ मौन नहीं रहेगा, 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 नुक्कड़ मौन नहीं।